देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्या हाइपोथेटिकल गैस एक्सपेंड आइडियोमेटिकली सच वॉल्यूम चेंज फ्रॉम, अगर इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे तो गैस जो एक्सपेंड हुई है तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो वॉल्यूम जो इनिशियल था वो 8 यहाँ पर लीटर था और फाइनल वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया 27 लीटर। इफ द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर, यहाँ पर एक और फाइनल प्रेशर टू द प्रेशर इनिशियल, इसकी जो वैल्यू है वो 16/81 दिया हुआ है, तो ये प्रेशर का रेशियो 60/81 यहाँ पर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ CP/CV, मतलब हमें गामा की वैल्यू निकालना, गामा इज इक्वल टू CP और ये CV, तो ये इस चीज़ की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो एडियाबेटिक के लिए PV गामा की वैल्यू क्या होती थी, कॉन्स्टेंट हम लोग पढ़ के आए हैं, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर गामा। यहाँ से तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो कि प्रेशर फाइनल अपॉन प्रेशर इनिशियल, तो यहाँ पर वॉल्यूम इनिशियल अपॉन वॉल्यूम फाइनल और ये पावर गामा आ जाएगा। तो प्रेशर फाइनल की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखो प्रेशर फाइनल यह है 16/81 और यहाँ से तुम देखोगे वॉल्यूम इनिशियल, तो यहाँ से वैल्यू रख लो, देख लो वॉल्यूम इनिशियल की कितनी वैल्यू आती है, तो यहाँ से वॉल्यूम इनिशियल अपॉन वॉल्यूम फाइनल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/27, तो ये आ जाएगा 8/27 की पावर यहाँ से गामा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, हाँ ये 16, तो ये 4/8 इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर, यहाँ से 2/3 की पावर मैं लिख सकता हूँ 4 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 3 टाइम्स गामा। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो 4 = 3 टाइम्स गामा, मतलब गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3, जो कि एक सही सोल्यूशन है 4/3। तो 4/3 अगर इसको देखोगे तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।